यूट्यूबरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग कहते हैं कि हमारे 4000 घंटे पूरे नहीं हो रहे। 4000 घंटे पूरे करने में वो जी जान लगा देते हैं, मगर उनके 4000 घंटे पूरे कर नहीं हो पाते। और अब 1000 सब्सक्राइबर तो आसानी से पूरे हो जाते हैं, मगर 4000 घंटे पूरे करने के लिए उन्हें सालों लग जाती है। बहुत से यूट्यूबर तो इसको छोड़ के भी चले जाते हैं, 4000 घंटे पूरे नहीं हो पाते। मगर ये वीडियो आपके लिए है कि आप 4000 घंटे कितनी आसानी से पूरे कर सकते हो। जब मैंने कर लिए तो आप भी कर सकते हो। मेरा चैनल आज मोनिटाइज है, आप भी ऐसा कर सकते हो। जब मेरी उम्र इतनी है तो मैंने कर लिए तो आप तो बच्चे हो, आप आसानी से कर सकते हो, आप में ज़्यादा ज्ञान होता है। मैंने तो ज्ञान सीखा है, सीख सीख के मैं इस मुकाम पर पहुँची हूँ। आप लोग नए हो, आपको ज़्यादा ज्ञान होता है, आप बहुत आसानी से सीख लोगे और आसानी से बने। जब अपन सीख के यूट्यूब पर काम करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा 4000 घंटे पूरा करना। 1 महीने में आप 4000 घंटे पूरे कर सकते हो। सभी लोग कहते हैं कि नहीं हमसे ये नहीं हो रहा, मगर बहुत आसानी से हो जाएगा। मगर आप यूट्यूब पर ध्यान देंगे तो आपके 4000 घंटे चुटकियों में पूरे हो जाएंगे। जैसे 1 साल में हो रहा है किसी के, अब आप 1 महीने या 2-3 महीने के अंदर तो बिल्कुल पूरा कर सकते हो। मैं बहुत से लोगों ने मेरे आधार पर पूरे किए हैं और उनके चैनल आज मोनिटाइज है, अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जब आप वीडियो बनाते हो तो पहले तो अपन को ज्ञान नहीं होता, तो अपन जैसा मन में आई छोटा वीडियो बना लिया, जितना बन गया ठीक है। मगर अगर जहाँ तक हो तो आप वीडियो को लंबा बनाइए। अगर आपने 10 मिनट का वीडियो बनाया है तो कम से कम वो 2-3 मिनट तो देखें, अगर ज़्यादा हो तो 5 मिनट तो देखें कम से कम, ऐसा वीडियो बनाइए। अब हम लोगों को तो पहले ज्ञान नहीं था, तो हमने तो क्या करा था, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बनाया था, इसलिए टाइम थोड़ा लग गया था और मेरा चैनल गिरो हो गया। आपको भी अगर आप तो आप पहले यूट्यूब पे इतने बताने वाले भी नहीं थे कि इतने बताएं, अब तो आपके लिए बहुत से वीडियो मिल जाते हैं जिससे को आपको सीखने को मिलेंगे और आप उसके आधार पर वीडियो बनाओगे। मगर आप वीडियो को फुल देखिए, आप क्या करते हो फुल बात नहीं करते, तो उसमें से कोई पॉइंट छूट जाता है तो उससे आपका चैनल आप उसमें से थोड़ा कम 1-8 पॉइंट छूट गया तो आप उसको पूरी तरह नहीं बताए तो आपके 4000 घंटे पूरे नहीं होते। तो आप कहते हैं आपने जो टेक्निक बताई थी उस आधार पर मेरे 4000 घंटे पूरे नहीं हुए, मगर आपको पूरा वीडियो देखोगे तो आप उसमें भूलोगे नहीं और शांति से आप वीडियो बनाओगे तो आपके 4000 घंटे 1-2 महीने में साल सर्तियाँ पूरे हो जाएंगे और हुए भी हैं लोगों के। और अब मैंने दूसरा चैनल बनाया तो आप बहुत जल्दी हम गिरो कर लेते हैं, अगर पहले में टाइम लग गया था क्योंकि उसमें अपन को ज्ञान नहीं था। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो तो लंबा बनाना है और ऐसा बनाना है कि कोई अगर आपका वीडियो देखे तो उसको कम से कम कुछ सेकंड रुके, 5-10-30 सेकंड तो भाई कम से कम रुके और वो उसका मन ऐसा हो कि आप आज वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर क्या है, तो भाई पूरा देखे जैसे भाई उसको छोड़ने का मन ना हो। आपको पहले तो आपको क्या करना है, थंबनेल अच्छा बनाना है। थंबनेल अच्छा होएगा तो आपका वीडियो थंबनेल देख के ही वो क्लिक करेंगे, अगर आपका थंबनेल अच्छा नहीं होएगा तो वो क्लिक नहीं करते। आपको थंबनेल में लिखते हो तो उसमें क्या करना है, आपको कलर वगैरह भर देना है जिससे कि थंबनेल अच्छा हो। और आपको वीडियो सर्च टेबल पर वीडियो बनाना है, जैसे कोई सर्च पर चल रहा है तो उसका पर वीडियो बनाइए। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर बनाते हैं सर्च पर चल रहा है तो वो आपका सर्च में जाएगा और आपका वीडियो वायरल होएगा। और टाइटल भी बहुत अच्छा लिखना चाहिए जिससे टाइटल टैग वीडियो अपना सर्च में जाए, तो टाइटल भी अच्छा लिखो। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, ये चारों चीज़ों का अगर आपने ध्यान रखा, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और थंबनेल, अगर इन चारों का ध्यान रखा तो आपका वीडियो कोई नहीं रोक सकता कि आपका वीडियो वायरल ना हो। और आपका अगर आपने 2-3 वीडियो बनाए उसमें से एक वीडियो जरूर वायरल होएगा, और वायरल का मतलब ये है हजारों में चला जाएगा और कोई कोई 2000 में चला जाएगा, तो उसमें से क्या होएगा आपके बात का बढ़ेगा। और आप जैसा किसी ने एक मिनट जैसा किसी ने देखा 5 मिनट, फिर दूसरे ने देख, इसमें आपको क्या है किसी के आपको 1000 मिनट हो गए, किसी में 3000 मिनट हो गए, ऐसे आपका बादशाह पूरा हो जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा। और आपने अगर इसके हिसाब से नहीं बनाया तो आपका बादशाह नहीं बढ़ता और आपको बहुत कठिन हो जाता है।
और आप कहते हो कि मेरे 4000 घंटे पूरे नहीं हो रहे तो आप निराश हो जाते हो, मगर आपके इस तरीके से 4000 घंटे पूरे होंगे। टाइटल में आपको कैसे लिखना है, आपको टाइटल अच्छे से लिख डाल देना है और फिर डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से डाल देना है। आप बड़े बड़े यूट्यूबर के देखिए कैसे बनते हैं, तो आपके दूसरे कैटेगरी के में नहीं डालना, आपको अपनी कैटेगरी के संबंधित वीडियो में देखना है और उसी के आधार पर आपको बनाना है। ऐसा अगर आपने कर लिया तो आपके वीडियो और आपके 4000 घंटे आसानी से पूरे जाएंगे। आप लोग वह कहते हैं कि 2024 कठिन हो गया, कठिन नहीं है। अगर आपने सीख कर कुछ करा है तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और 4000 और आपको ज़रूर वीडियो। पहले मैंने तो ऐसे ही बना देते थे तो आपको धीरे धीरे मेरे बाद काम बढ़ गया, थोड़ा टाइम लग गया, मगर आपको तो अब ऐसा लंबा वीडियो बनाना है जिससे भी अपन को आप तो लोग वक्त बता रहे हैं कि नहीं आपको लंबा वीडियो बनानी है। पहले जानकारी नहीं थी तो छोटे छोटे बना देते थे, जितनी मन में आई उतनी बना देते थे, मगर अब आपको जैसे 10 मिनट का वीडियो बनाओ तो आप कहोगे 10 मिनट का वीडियो कौन देखेगा। अगर आपके वीडियो में दम है तो आपका वीडियो फुल बात करेंगे और वो सीखेंगे, जिससे क्या आप और लोग बाग तो आधा आधा घंटे के वीडियो बनाते हैं उनका भी फुल बात किया जाता है क्योंकि उसके वीडियो में दम होता है। अगर आपने थंबनेल में लिखा, जो थंबनेल में लिखा है वो ही आपके वीडियो में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थंबनेल अपन कुछ भी बना दें, क्ले वेट कर दें तो आपने उसने थंबनेल में क्ले भी करा तो आपके वीडियो में दम नहीं है तो वह नहीं देखेंगे। अगर आपके आपने थंबनेल उसी से संबंधित बताया वीडियो में वही चीज़ मिलेगी तो वह पूरा देखेंगे और वह आपको ऐसा धीरे धीरे करके आपके 4000 घंटे जरा में पूरे हो जाएंगे। और आप मेन उद्देश्य लोगों का यही रहता है कि क्राइटेरिया पूरा कर लें, तभी तो आपका चैनल मोनिटाइज होगा। क्राइटेरिया पूरा करने में बहुत टाइम लग जाता है तो और इसमें क्या होता है कि अपन सोचते हैं कितने साल मैंने लग गए तो अपन निराश हो जाते हैं। अगर आपने फुल बात करा और देखा अपन क्या करते हैं दूसरे का फायदा हो जाए इसलिए अपन फुल बात नहीं करते और अपन नहीं, मगर आपको सीखना है तो आपको फुल बात करना चाहिए। अगर फुल बात करोगे इसमें आपका ही फायदा है और सामने वाले का तो फायदा है, आपका भी फायदा है, इसमें आप ज़रूर फुल बात करें। क्रिकेट के वीडियो इसलिए बनाए, पहले मैंने बनाए थे किचन के, मैंने कब बच्चों को कुछ सिखाए तो मैंने आप क्रिकेट के वीडियो इसलिए बनाए कि बच्चों को जानकारी मिले जिससे कि गुमराह ना हो आगे बढ़े। मैंने भी आप ही चैनल को मोनिटाइज किया है अच्छे खासे पर मैं भी ऐसे वीडियो लाती हूँ कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आगे चल के आपके फ़ायदा मिले। मगर आप लोगों को अगर इस वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं भी कुछ अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर उसमें कमेंट कर सकते हो और अगर उसमें कुछ गड़बड़ समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हो और दोबारा आप वीडियो को देख भी सकते हो इस करके। तो इसलिए आपको वीडियो अब आपको वीडियो जहाँ तक कोई अधिक 10 मिनट आज जब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं हो जब तक आपको 8-10 मिनट का बनाना चाहिए। वैसे तो आपका चैनल अगर मोनिटाइज हो जाए तो भी आपको अधिक डॉलर कमाने के लिए तो वीडियो को 8 मिनट का तो बनाना ही चाहिए जिससे कि अपन उसमें 2-3 एड लगा सकते हैं, पहले भी लगा दो बाद में भी लगा दो और आखिरी में भी लगा दो, इसलिए 3 एड लगा। कोई कोई तो उससे ज़्यादा भी एड लगा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हमने ज़्यादा एड लगाए। इस तरह से आपने कर लिया तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा और आपको कोई टेंशन नहीं आएगी कि हमारा चैनल मोनिटाइज नहीं हुआ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए, सरप्राइज कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो।